हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भैया आप सबका? अच्छा यार, मेरा नाम है हमजा मजीद, जो कि मेरे ख्याल से मुझे आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर अभी इनिशियल स्टेज पे मुझे मेरे दोस्त ही देख रहे होंगे जिनको मैं ये वीडियो एडिट करने के बाद लिंक शेयर करने वाला हूँ। तो यार, सीन कुछ ऐसा है कि आज से 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले, सितंबर 2020 के अंदर, 2020 के अंदर मैंने अपना एक YouTube चैनल है बैठे बैठे बनाया कि आज YouTube पे काम करते हैं, YouTube पे काम करते हैं। मतलब पता वता कुछ नहीं था कि होता क्या है YouTube, इसके कॉपीराइट एक्ट्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, टैग क्या होते हैं, काम किस तरह से करना है, कंटेंट किस तरह से जनरेट करना है, और कंटेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और लोगों को क्या चीज़ पसंद आती है। तो इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। तो यानी बैठे बैठे आया, मेरे जीमेल एक आईडी थी हमजा कंबो के नाम से, जो कि मैंने 2017 के अंदर बनाई थी। तो वो आईडी थी मेरी, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब के ऊपर से कुछ वीडियोस देखने के बाद मैंने वो चैनल बना लिया। उसके बाद उसके ऊपर मैंने कुछ कोई 2-3 महीने काम किया, उसके ऊपर सर्च भी की, यूट्यूब के बारे में सीखा भी, पढ़ा भी। तो काम मैं इस तरह से करता था कि मुख्तलिफ जो है इंटरनेट सोर्सेज से ही चीज़ों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, और उनकी जो वीडियोज़ होती थी वो यूट्यूब से या दीगर जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से उठाने के बाद उनको एडिट करके, वॉइस ओवर करके अपलोड कर देता था। तो ये तरीका था, और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि यार ये मतलब कॉपीराइट इसके ऊपर आ जाते हैं और ये आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया जाएगी। तो उसके बाद फिर जो है मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर की डिग्री के अंदर, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स किया, अभी मेरी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हुई है, तो उसके अंदर मेरा एडमिशन हो गया और यूनिवर्सिटी जाने लग गए। फिर सही तरह से टाइम नहीं मिलता था, सुबह घर से निकलते थे, रात को थके हारे घर आई दा सी, तो वो मतलब उस तरह से एक चीज़ को मैं यूट्यूब को कंटिन्यू सही तरह से नहीं कर सका। ठीक है, तो अब लेकिन वो जो 3-4 महीने मैंने YouTube के ऊपर काम किया, तो उसके 4 महीने के अंदर अंदर मुझे YouTube की अच्छी खासी ठीक ठाक समझ बूझ आ गई थी। ठीक है, कि YouTube पे काम कैसे होता है, किस तरह से करने हैं, एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और किन किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें और बातें जो थी ना, वो मुझे उस 4 माह के करीब तकरीबन मैंने काम किया, तो वो मुझे समझ आ गई थी। और उस वक्त क्वालिटी कंटेंट जो था वो मैं सही तरह से, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं नहीं बना सका। उसकी बहुत सारी वजूहात थी कि मैं कंटेंट उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर सका जिस तरह की यूट्यूब के ऊपर डिमांड होती है। तो उसकी एक वजह तो ये जो मैंने अभी आपको पहले जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, सुबह जाना शाम को आना, फिर किसी चीज़ को दिल नहीं करना था। तो और दूसरी इसकी वजह ये थी कि मेरे पास मोबाइल कोई बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का नहीं था कि जिससे मैं एक अच्छी चीज़ कैप्चर करके उसको एडिट करके अपलोड कर सकूं। उसके अंदर भी ये था कि एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों का, फ्रेम किस तरह से सेट करना है, फलान का, ये जो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने काम करना जो है ना यूट्यूब पर बंद कर दिया। मुझे कई दोस्तों ने कहा, यार हमजा भाई आप काम करो, हमजा यार तुम काम करो, काम क्यों नहीं कर रहे यूट्यूब के ऊपर। बल्कि 1-2 लोगों ने तो मुझसे मतलब पूछा भी बाजार के अंदर ना, तो यार मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब यूट्यूब के ऊपर किया। उस वक्त बड़ी मुझे खुशी हुई, यार अच्छा मेरा चैनल इन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो बस फिर इस तरह से टाइम गुजरता गया, और पिछले 1-2 साल जो है गुजर गए, मास्टर मेरी कंप्लीट हो गई पॉलिटिकल साइंस डिग्री के अंदर। तो अभी कुछ अरसे से मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़े मेरे करीबी हैं, तो वो भी अगर देख रहे होंगे तो वो मुझे बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, यार हमजा यूट्यूब के ऊपर काम करो, यूट्यूब के ऊपर काम करो, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड यू कैन डू इट। है कि अब मेरा प्लान मतलब कुछ इस तरह किया, मैंने यूट्यूब को दोबारा से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अब मुझे आप लोगों से जो सुजेशंस चाहिए वो ये चाहिए कि आप मुझे ये बताएं कि आप YouTube के ऊपर अमूमन अगर दिन के अंदर 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट कुछ देखते हैं तो क्या देखते हैं, किस तरह का कंटेंट देखना आप YouTube के ऊपर पसंद करते हैं। और ये ना कहने लग जाना कि असि तो मायरा खान का ड्रामा देखते हैं YouTube से, तो तो मैं मायरा खान का ड्रामा तो YouTube पे नहीं बना सकता। और ये भी ना कहने लग जाना कि हम फलां सिंगर के गाने सुनते हैं सारा दिन YouTube पे, तो मतलब सोशल इश्यूज़ पे आप जो हैं डिबेट्स ज़्यादा देखते हैं, या पॉलिटिकल इश्यूज़ पे डिबेट्स ज़्यादा देखते हैं, या एजुकेशनल वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, या फिर व्लॉगिंग वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जाना, उसको एक्सप्लोर करना, और जो अपना एक्सपीरियंस है आपकी, जो अपनी ऑब्जर्वेशन होती है वो लोग आपके साथ शेयर करते हैं थ्रू द यूट्यूब व्लॉग, तो आप वो उस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा अच्छे उसको इन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने मुझे ये नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, या नीचे इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक पेज का लिंक भी दे दूंगा, तो आप मुझे वहां पर मैसेज करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो मोर देन वेलकम। ठीक है,
एक तो आपने मुझे ये बताना है, और दूसरा अगर आप व्लॉग देखते हैं तो व्लॉग के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, यानी कि अगर तो आप डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखते हैं, यानी कि एक बंदा सुबह उठा है उसने कहा है कि मैं उठ गया हूँ, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ, अम्मा मेरी नाश्ता पकाती हैं, नाश्ता करके स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन से आता हूँ तो अम्मा फिर खाना पकाती हैं, खाना खा के सो जाता हूँ। तो अगर तो इस तरह के आप व्लॉग्स देखते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मतलब कोई सीरियस कंटेंट मतलब टूरिज्म के ऊपर जो व्लॉग्स बनते हैं वो देखते हैं, या फूड व्लॉग्स बनते हैं, या मुख्तलिफ पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा, तो हम उसके ऊपर भी देखेंगे कि क्या उसके ऊपर जो बेहतर क्वालिटी इनिशियल स्टेज पे मतलब इनिशियल स्टेज पे जो बेहतर व्लॉग्स मैं बना सका वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है, फिर उसके ऊपर जो है ना आपकी जैसी राय आएगी, मतलब आपसे मुराद मेरे जो दोस्त मुझे देख रहे हैं और जो मेरे 350 के करीब सब्सक्राइबर हैं, 350 के करीब सब्सक्राइबर जो मतलब 314-15 के करीब सब्सक्राइबर हैं, जो मतलब आज से 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उनको कहूंगा कि बड़े बावफा सब्सक्राइबर हैं जो 3-2.5 साल के अंदर छोड़कर नहीं गए। ठीक है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे किस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करेंगे, ताकि फिर हम उस तरह का कंटेंट ही बनाएं, क्योंकि हमें लाजमी कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज के ऊपर मुझे जरूर इस चीज़ के बारे में बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। तो बस आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे अरे अरे, दो मिनट, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी किस बात की है यार, वीडियो पसंद नहीं आई, आई है ना, तभी तो एंड तक रुके हुए हो, तो भी थम्स अप कर दो यार, कौन सा पैसे लगते हैं आपके, अल्लाह हाफिज़।